नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें नए कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव पर मंजूरी हो सकती है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का बड़ा बयान, जरूरत पड़ी तो दोबारा लाएंगे कृषि कानून। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि पीएम मोदी किसानों को ठीक से कृषि कानून समझा नहीं पाए, इसलिए तीनों कृषि कानून वापस लिए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कृषि कानूनों की वापसी के फैसले को अच्छा बताया है। तीन नए कृषि कानूनों की वापसी पर करीब एक साल से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान संगठनों की आज दोपहर बड़ी बैठक होगी। सिंधु बॉर्डर पर 32 किसान संगठनों की साझा बैठक होगी। बता दें कि बैठक में आगे की रणनीति पर किसान संगठन विचार करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में शामिल नहीं होंगे राकेश टिकैत, लखनऊ महापंचायत के लिए रवाना हुए राकेश टिकैत। पच्चीस नवंबर को दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए फतेहाबाद से किसानों का जत्था रवाना होगा। रतिया इलाके में किसानों ने मीटिंग करके बड़ा निर्णय लिया। किसानों का कहना है कि एमएसपी, पराली और बिजली विधेयक को लेकर अभी लड़ाई बाकी है। किसान संयुक्त मोर्चा के आदेश पर सभी किसान काम करेंगे। 26 नवंबर को किसान आंदोलन का एक वर्ष पूरा हो रहा है, इसलिए 25 नवंबर को सिरसा और फतेहाबाद से टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना होगा किसानों का काफिला। आगे उन्होंने कहा कि एक आंदोलन अब हुआ है। तीन बिलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत आदर के साथ बिलों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। ये अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने पीएम के कानून वापस लेने के ऐलान पर कहा कि पीएम ने कृषि कानूनों पर देरी से फैसला लिया, अगर पहले फैसला लिया होता तो इतना नुकसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे लंबा आंदोलन नहीं देखा है। किसान खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और सभी विपक्षी दलों का समर्थन किसानों की मांगों से था। उन्होंने कहा कि मैं प्राइवेट मंडियों के विरोध में नहीं हूं, प्राइवेट मंडी में भी एमएसपी लागू होनी चाहिए। अगर कोई कम कीमत में खरीदे तो सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कृषि कानूनों पर किसानों की ऐतिहासिक जीत हुई है, किसानों की जान की कुर्बानी रंग लाई है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते फैसला ले लिया होता तो 700 घरों के चिराग नहीं बुझते, मृतक किसानों के परिजनों को जल्द मुआवजा मिलना चाहिए। सिरसा से कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर किसानों को विश्वास नहीं है, मोदी केवल भाजपा के प्रधानमंत्री है, ना कि देश की जनता के। प्रधानमंत्री के कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बावजूद किसानों का मोर्चा पर डटे रहने का फैसला प्रमाणित करता है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के प्रदेश विशेष प्रवक्ता और जिला कन्वेनर बजरंग दास गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा तीन काले कृषि कानून वापस लेना किसान मजदूर आढ़तियों के संघर्ष की जीत है। उन्होंने कहा यह फैसला बहुत देर से लिया गया, इन तीनों कृषि कानूनों के चक्कर में 700 से अधिक किसानों की जान चली गई, आपसी भाईचारा खराब करने का प्रयास किया गया और अरबों रुपए भी बर्बाद हो गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष का उद्घाटन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। झज्जर में अब अपनी जमीन रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए ना तो तहसील और पटवारी के चक्कर काटने पड़ेंगे और ना ही किसी सरकारी कर्मचारियों को सुविधा की शुल्क की रकम देनी होगी। अब हरियाणा सरकार प्रदेश भर के सभी जिलों के जमीनी रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने जा रही है। इसके लिए साल 1970 से लेकर मौजूदा समय तक के सारे जमीनी रिकॉर्ड को स्कैन किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल आज इस पोर्टल का विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे। जिला उपायुक्त श्याम लाल पुनिया के अनुसार ये पोर्टल शुरू होने के बाद आमजन के समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
रेवाड़ी के बावल में करोड़ों रुपए की लागत से बने आरओबी और कृषि महाविद्यालय में बने महिला हॉस्टल का आगामी 26 नवंबर को सीएम मनोहर लाल उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री एक रैली को भी संबोधित करेंगे। गांव धरचारा में ग्रामीणों को रैली का न्योता देने पहुंचे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पत्रकारों से बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री द्वारा वापस लिए जाने को एक ऐतिहासिक फैसला बताया है, जिसका किसानों को स्वागत करना चाहिए और अब उन्हें आंदोलन छोड़कर अपने घर लौट जाना चाहिए। हरियाणा में 6 लाख रुपए से अधिक सालाना कमाई पर पिछड़ा वर्ग के परिवारों को आरक्षण नहीं मिलेगा। प्रथम और द्वितीय श्रेणी अफसरों के साथ ही सेडा में मेजर या इससे ऊपर के अधिकारियों के आश्रित भी आरक्षण से बाहर हो जाएंगे। कांग्रेस विधायक चौधरी आफताब अहमद ने बताया कि 22 नवंबर से कांग्रेस नू के गांधीग्राम खासेड़ा से महंगाई के खिलाफ जनजागरण अभियान की शुरुआत करेगी। जनजागरण अभियान के दौरान देश में पेट्रोल डीजल रसोई गैस और घर चलाने की आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतें और बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। पड़ोस के सभी प्रदेशों ने वेट में कटौती की लेकिन हरियाणा ने नहीं की। पहले हरियाणा में सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल मिलता था, आज सबसे महंगा मिल रहा है। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि गठबंधन सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है और प्रदेश सरकार लोगों का विश्वास भी खो चुकी है। पलवल में शुगर मिल महानिदेशक ने मिल में लग रहे बार बार ब्रेकडाउन को लेकर चीफ इंजीनियर सहित अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। शुगर मिल में अब तक 3,38,000 क्विंटल गन्ने की पेराई हो चुकी है। भिवानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में कैंडल मार्च निकाला और कहा कि बीजेपी सरकार की हठधर्मिता की वजह से 700 किसानों की जान चली गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री शुरुआती दौर में ही किसानों की मांग मान लेते तो किसानों को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़ता। भारतीय जीवन बीमा निगम के दिल्ली मंडल ने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता मनीष नरवाल और रजत और कांस्य पदक विजेता सिंहराज सिंहधान को घर पहुंचकर सम्मानित किया। मनीष अग्रवाल को LIC की तरफ से 1 करोड़ और सिंहराज धाना को 75 लाख देकर सम्मानित किया गया। बढ़ते प्रदूषण को लेकर फरीदाबाद के लोगों ने कहा कि स्कूल कॉलेजेस और उद्योग बंद करने से प्रदूषण खत्म नहीं होगा। लोगों का कहना है कि अगर प्रदूषण को खत्म करना ही है तो ऑड इवन जैसे फॉर्मूले लागू करें, इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन के कामों को भी कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। रघुनगर स्थित सावरिया फूड इंडस्ट्रीज में डिटेक्टिव स्टाफ ने छापेमारी कर नकली देशी घी बनाने पुलिस ने फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा नकली देसी घी वीटा सहित अन्य ब्रांड्स की पैकिंग रैपर और नकली देशी घी बनाने का साजो सामान हॉलमार्क्स और मोहरे भी बरामद की हैं। पुलिस ने वहां से विभिन्न ब्रांड्स की पैकिंग 952 लीटर नकली देसी घी लगभग 4.25 लाख रुपए की नकदी को बरामद कर फैक्ट्री मालिक समेत 4 लोगों को काबू कर लिया है। बल्लभगढ़ के साहूपुरा गांव में कंपनियों में काम करने वाले नाबालिग बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने रेस्क्यू कर लिया लेकिन थाने ले जाने की कोशिश में कर्मचारियों ने बच्चों को मौके से भगा दिया। इस बीच चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारी ने पुलिस में कंपनी मालिक और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत देते हुए कंपनी से नाबालिग बच्चों को भगाने का आरोप लगाया है। फरीदाबाद के निर्माणाधीन अभ्रता हॉस्पिटल ने विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता के लिए साइकिल रैली निकाली। रैली में बताया जा रहा है कि लोग स्वस्थ रहें और अपने आप कोई भी दवा ना लें। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पशुओं की OPU IVF प्रौद्योगिकी के विकास दिशा में कार्य कर रहा है। इस तकनीक से पशु के जीवन काल में सामान्य से 10 गुना अधिक बच्चे किए जा सकते हैं। संस्थान में चले 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शोधकर्ताओं ने OPU IVF के क्षेत्र में अच्छे वैज्ञानिक करियर को सुरक्षित करने में मदद करेगा। कोसली विधानसभा के गांव नाहड़ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव और कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने शहीदों के नाम से 2 सरकारी स्कूलों का नामकरण किया।
दोनों ने एक संयुक्त रूप से कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के प्रधानमंत्री के फैसले को एक ऐतिहासिक फैसला कहा है और दरअसल ये आंदोलन किसान आंदोलन न होकर विपक्ष का रचा हुआ प्रोपेगेंडा था। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर के ईएसआई अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के मामले में यमुनानगर आत्मनिर्भर हो रहा है। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरस्वती शुगर मिल द्वारा यह प्लांट लगाया गया है। कोरोना के समय ऑक्सीजन की काफी समस्या रही, लेकिन अब यह समस्या नहीं रहेगी। तो वहीं कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि प्रदेश में अब तक सब कुछ सामान्य हो रहा है, इसलिए 1 दिसंबर से पूरी क्षमता के साथ स्कूल सामान्य रूप से खुल जाएंगे। भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा को दूसरे स्थान प्राप्त हुआ है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने हरियाणा को सम्मानित किया। हरियाणा के गुरुग्राम, रोहतक और करनाल को गोल्ड से सम्मानित किया गया है, तो पंचकुला, फरीदाबाद और नीलोखेड़ू को सिल्वर से सम्मानित किया गया है। देश में स्वच्छता सर्वेक्षण संवाद में हरियाणा का दूसरा स्थान आया है, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 36 में नगर निगम के द्वारा दिए गए 2-2 ट्रैक्टर्स को हरी झंडी दिखाकर कैबिनेट मंत्री के बड़े भाई टिपर चंद शर्मा ने रवाना किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने तोशाम में नवनिर्मित कोर्ट परिसर में तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले चैम्बरों की आधारशिला रखी। तोशाम में कृषि मंत्री जेपी दलाल का आम लोगों ने फूलमालाओं से स्वागत किया है। इस अवसर पर जेपी दलाल ने बताया कि कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के लिए 98 चैम्बर का निर्माण किया जाएगा। मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आम आदमी को जल्दी और कम खर्च पर न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने अधिवक्ताओं का आह्वान किया है कि वे आम आदमी को न्याय दिलाने का भरसक प्रयास करें। सिरसा जिला में धान की बंपर आवक हो चुकी है, जिससे सिरसा की अनाज मंडी में धान की ढेरियां लगी हुई हैं। इससे मंडी में जाम की स्थिति पैदा हो गई है। हर जगह मंडी में ढेरियां ही ढेरियां लगी हुई हैं। हालांकि धान के उठान का कार्य धीमा होने के कारण व्यापारियों और किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल सिरसा मंडी में अब तक 12 लाख क्विंटल से ज्यादा धान की आवक हो चुकी है और इस बार सिरसा मंडी में 27 लाख क्विंटल धान की आवक होने की उम्मीद है। नौकरियों के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े के मामले में हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने एक बड़े नेक्सस को पकड़ा है, जिसमें हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर का नाम इस मामले में सामने आया है। नागर सहित कई अधिकारी इस पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं। नागर सहित 3 आरोपियों ने 2,22,00,000 की रिकवरी हुई है। इसके अलावा एक अन्य भर्ती में 11 कैंडिडेट्स को लाभ पहुंचाने के सबूत भी मिले हैं। 1 करोड़ की रिश्वत के आरोप में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी मामले में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देने वाली प्रदेश सरकार के दावे दिखावे वाले दावे हैं। प्रदेश के अंदर देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। गुरुग्राम में पुलिस ने चौहरे हत्याकांड का खुलासा किया है, जिसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम में दिवाली के दिन पूर्व सरपंच पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड रिंकू के पिता और अन्य रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। सोहना में एक दुकानदार को ऑनलाइन कमीशन का झांसा देकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले युवक ने 60,000 रुपए की चपत लगा दी। थाने में दर्ज शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पलवल के आलापुर गांव में 2 पक्षों के बीच आपस में झगड़ा हो गया। दोनों तरफ से लाठी डंडे कुल्हाड़ी चले, जिसमें करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों की शिकायत पर करीब 2 दर्जन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुग्राम में चोरों के हौसले बुलंद है, जहां बादशाहपुर के मेन बाजार में चोरों ने लाखों की चोरी को अंजाम दे दिया। चोरों ने बादशाहपुर के मेन बाजार में ज्वेलर्स की शॉप से 37 किलो चांदी और 25 ग्राम सोना चोरी कर लिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नू में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अवैध हथियार के बल पर गाड़ियों को लूटने की कोशिश करने के जुर्म में 2 आरोपियों को कार सहित गिरफ्तार कर लिया गया है।
तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 17 नकली सोने की ईंटें, 7 मोबाइल फोन, 1 पिस्तौल, 2 जिंदा राउंड मैगजीन सहित अन्य सामान बरामद हुआ है। कोरोना के खिलाफ धीमा पड़ रहा है वैक्सीनेशन, ऐसे में तेजी लाने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने शहर में भी वैक्सीनेशन करने का अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट की बसों में भारत विकास परिषद के हिसार जिला की केशव शाखा के साथ मिलकर मोबाइल वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। मेवात में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए अब इस्लामिक मदरसे भी पीछे नहीं है। शनिवार को झिमरावट गांव में मौलाना मोहम्मद इलियास के मदरसे में उपायुक्त शक्ति सिंह ने पहुंचकर वैक्सीन लगवा चुके बच्चों का हौसला बढ़ाया है। उपायुक्त ने कहा कि वैक्सीनेशन की मुहिम को रफ्तार देने के लिए उन लोगों से मुलाकात की जा रही है जिनका समाज में रुतबा है, जिनकी बात को लोग मानते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। आज गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा। आज कांग्रेस मुख्यालय में विधायकों की बैठक होनी है, इसमें आज शाम 4 बजे 11 कैबिनेट और 4 राजमंत्री शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुलिस मुख्यालय लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 56वें सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 56वें डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ जारी मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया, अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,488 नए मामले सामने आए हैं, 313 मरीजों की जान चली गई है। एक्टिव केसेस की संख्या 1,26,000 के पार पहुंच गई है। नोएडा में एक ही दिन एक ही परिवार के 6 सदस्यों समेत कोरोना के 8 मामले सामने आए हैं, 2 साल का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली की हवा आज भी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है, दिल्ली में AQI 387 के पार पहुंच गया है। भिवानी में AQI 232 के पार पहुंच गया, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। हिसार में क्वालिटी इंडेक्स 256 के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से जिले की वायु गुणवत्ता खराब हो गई है। तो वहीं करनाल में भी 188 के पार पहुंच गया AQI, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। रोहतक में क्वालिटी इंडेक्स 304 के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से जिले की आबो हवा जहरीली होती जा रही है। सोनीपत में AQI 253 के पार पहुंच गया, जिसकी वजह से आसमान में धुंध छाई रही। पानीपत में क्वालिटी इंडेक्स 208 के पार पहुंचा, जिसकी वजह से स्मॉग की चादर दिखाई दी। फरीदाबाद में AQI 284 रहा और लोग यहां पर कूड़े के ढेर में आग लगाने से भी कतरा नहीं रहे, जिसकी वजह से जिले की आबो हवा जहरीली होती जा रही है। गुरुग्राम में AQI इंडेक्स खतरे के निशान को पार कर गया है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 के पार दर्ज किया गया है। इंडिया न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच जारी 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज कोलकाता में खेला जाएगा। आज के मुकाबले में भारतीय टीम की चाहत रहेगी कि वो कीवी को शिकस्त देकर इस श्रृंखला को 3-0 से अपने नाम कर लें। भागेगा बाबा ऑल सीजन के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन। लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो सर के ऊपर हो या पानी के अंदर, मैं हूं हमेशा रेडी थैंक्स टू वीट मैन हेयर रिमूवल क्रीम। जस्ट अप्लाई, wait and wipe to get a long lasting clean look in 5 minutes. Be hamesha ready with Wheatman. It's a big monkey. Hi
to my fans. Say hi. Monkey. लाइफ कभी भी यू टर्न ले सकती है। policybazaar.com पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। दौड़ेगा भागेगा बाबा ऑल सीजन के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन। लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो सर के ऊपर हो या पानी के अंदर, मैं हूं हमेशा रेडी। थैंक्स टू वीट मैन हेयर रिमूवल क्रीम। जस्ट अप्लाई, वेट एंड वाइप टू गेट अ लॉन्ग लास्टिंग क्लीन लुक इन 5 मिनट्स। बी हमेशा रेडी विद वीट मैन। कितना आसान होता है ना किसी के बच्चों को नेगेटिव करना, किसी की कमियां निकालना, किसी को गालियां दे देना। मुश्किल अगर है तो इस बेरोजगारी की दलदल से युवाओं को बाहर निकालना, इस कठिन दौर में उनमें आस्था बनाना, उन्हें कामयाब बनाना। बच्चों, नेगेटिविटी से नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड से अपनी कमियां ढूंढो, उनको दूर करो, सिलेक्शन तब मिलेगा। ICS अब भी तुम्हारे पास है। हो गया, बढ़िया प्रॉफिट। अरे शाम को पार्टी। हेलो, मूली के पराठे मत दिया करो यार, गैस बनता है बहुत। हेलो पारिक भाई। हाँ, वो स्क्वायर हो गया। पारिक भाई, इसका भाव लिखो। लाइफ कभी भी यू टर्न ले सकती है। policybazaar.com पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। देश प्रदेश, खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच के तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई